खुशियां चाहिए तो शॉर्टकट अपनाओ, लेकिन अगर लंबी सफलता चाहिए तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। आज मैं आपको सुनाता हूं एक व्यक्ति की कहानी जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था। वो सोचने लगा था कि अब मैं इन रोज रोज की तकलीफों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब नहीं जीना है। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने सारे प्रियजनों को याद किया। मन ही मन उसने सभी से माफी मांगी और आत्महत्या करने के लिए उस नदी में कूद गया। दूर से एक साधु ने उसको नदी में कूदते हुए देखा। वो भाग कर आए, उन्हें तैरना आता था और वो खुद नदी में कूद गए और उसको बचाकर किनारे लेकर आए, उसे संभाला और उसे अपनी कुटिया में लेकर गए। जब उसे होश आया तब साधु ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते, क्यों तुम अपनी जान देने गए थे। तब उसने अपने बहुत सारी परेशानियां गिनाई कि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मैं आज तक अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, वो जो भी चाहती थी मैं उसको दे नहीं पाया, अपने बच्चों की खुशियां दे नहीं पाया, माता पिता को भी आज तक कुछ भी नहीं दे पाया और इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करने का उपाय है मेरे पास, ये देखो एक जादुई घड़ा। उन्होंने एक घड़ा दिखाया तो उसने पूछा कि ये जादुई घड़ा कैसे, ये तो साधारण सा एक मिट्टी का घड़ा दिख रहा है। साधु जी बोले नहीं, ये जादुई घड़ा है, इससे तुम अपनी जो भी इच्छाएं बोलो ये पूरी कर देगा, बस अपना मुंह उस घड़े के अंदर डालो और जो भी इच्छा है वो उससे बोल डालो, तुम चाहो तो मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम 5 साल तक मेरी सेवा करते रहो तो मैं तुम्हें ऐसे घड़े बनाने की विधि बता दूंगा। एक बात याद रखना कि एक बार यदि ये घड़ा टूट गया तो इस घड़े से तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूरी हुई थी, जो जो तुम्हें दिया था वो सब कुछ चला जाएगा। उसने थोड़ा सोचा और बोला, गुरुजी मैं 2 साल तक आपकी सेवा करूंगा, पूरे 2 साल तक आपकी सेवा करूंगा, फिर आप मुझे ये घड़ा दे देना, फिर मैं जीवन भर इसे अनमोल चीज की भांति संभाल के रखूंगा। गुरुजी ने इस पर बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। पूरे 2 साल तक उसने मन लगाकर गुरुजी की सेवा की और गुरुजी ने भी अपने वादे के अनुसार वो घड़ा उसे दे दिया। बस फिर क्या था, उसने घड़े से इच्छा जाहिर की कि ढेर सारा रुपया उसे दे दो। उस घड़े ने ढेर सारा रुपया उसे दे दिया। जब बहुत सारे रुपए उसको मिल गए तो एक अच्छा सा घर बनवा लिया, अच्छे से कपड़े पहनना शुरू कर दिया, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, अच्छा जीवन बिताने लगा, सुख ही सुख था। जब जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई मेहनत ना करना पड़े तो विलासिता आ ही जाती है, कुछ बुरे लक्षण आ ही जाते हैं इंसान के अंदर। उसने भी कुछ बुरी आदतें पाल ली, नशे की आदत पाल ली उसने, और एक दिन नशे की हालत में गलती से इसने खुद ही उस घड़े को तोड़ दिया। घड़ा टूटते ही नशा भी उतर गया और वो सब कुछ गायब हो गया जो उसने उस घड़े की वजह से पाया था। उसे बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं 2 साल की जगह 5 साल उस गुरुजी की सेवा कर लेता, अगर मैंने 5 साल तक गुरुजी की सेवा कर ली होती तो आज मेरे पास उस घड़े को बनाने की विधि होती और मैं झट से दूसरा घड़ा बना लेता। ओह नो, अब क्या करूं मैं। कई बार हमें भी शॉर्टकट में सफलता नजर आ रही होती है, कई बार हम भी चाहते हैं कि शॉर्टकट यार, शॉर्टकट अपनाओ और फटाक से सक्सेस हो जाओ, और उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जो लंबा प्रयास करते हैं या सतत प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर सफलता
लॉन्ग टर्म चाहिए तो वो कभी भी शॉर्टकट से मिल ही नहीं सकती। शॉर्टकट शॉर्ट सफलताओं के लिए रखी। अगर जीवन में लंबी सफलता चाहिए तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग करने से पीछे मत हटिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसको यूं ही शॉर्टकट में मत बिताइए। कुछ चीज शॉर्टकट में मिलती है उसको शॉर्टकट से अपनाइए, लेकिन कुछ चीजें जो है जो कि लॉन्ग कट से ही मिल सकती है तो उसके लिए लॉन्ग प्लानिंग करके रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और उसको शॉर्टकट में नहीं बिता सकते। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए आपकी जो भी शिकायत है, मैं उसको इम्प्रूव करने का फुल कोशिश करूंगा। आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियोस का अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।